ऋतिक रोशन बॉलीवुड के चहेते स्टार्स में से एक है और आजकल वैसे भी सभी पर ऋतिक फीवर चढ़ा हुआ है और इसकी वजह है ऋतिक और टाइगर की अपकमिंग थ्रिलर फिल्म वॉर। ऋतिक और टाइगर ने इस फिल्म में डेडली एक्शन का जो जबरदस्त तड़का लगाया है। ऋतिक और टाइगर की ये वॉर बड़ी साबित हो इसके लिए ऋतिक टाइगर हर तरह की स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। ऋतिक इस फिल्म के लिए बढ़ चढ़कर प्रमोशन में जुटे हुए हैं, जिसके लिए ऋतिक इस बार पहुंचे कॉमेडी के किंग कपिल शर्मा के शो पर, जहां न सिर्फ फिल्म से जुड़ी ढेर सारी बातें सामने आई बल्कि खुद ऋतिक से जुड़ा एक सबसे बड़ा राज ऋतिक ने दुनिया के सामने खोल दिया। दरअसल ऋतिक ने अपनी लाइफ से जुड़े उस किस्से को सभी के साथ शेयर किया जिससे सब अब तक अनजान थे। ऋतिक ने कपिल के शो में इस बात का खुलासा करते हुए बताया कि उनकी डेब्यू फिल्म कहो ना प्यारे के बाद उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग इस कदर बढ़ी कि उन्हें शादी तक के प्रपोजल्स आने लगे, और वो भी एक या दो नहीं बल्कि 30,000। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ऋतिक ने बताया कि उनकी इस फिल्म के बाद लड़कियां इस कदर उनके पीछे दीवानी थी कि उन्हें एक साथ कई शादियों के प्रपोजल मिलने लगे। एक न्यू कमर के तौर पर लोगों में इस तरह का क्रेज होना वाकई में एक स्टार के लिए बड़ी बात है। खैर, कपिल के शो में आए ऋतिक ने इन सभी बातों के साथ सेट पर खूब मस्ती भी की। खैर, वॉर की बात करें तो 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली ऋतिक और टाइगर की बड़ी वॉर का सभी फैंस पल के बिछाए इंतजार कर रहे हैं। आप कितने एक्साइटेड हैं ऋतिक की वॉर टाइगर से देखने के लिए, बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में।